हे गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज कृष्णा वर्मा और आप देख रहे हैं कृष्णा एंटरटेनमेंट चैनल। सो गाइस, आज फोटोशॉप की हमारी फोर्थ क्लास है और इस क्लास में हम क्रॉप टूल से रिलेटेड चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो क्रॉप टूल की बात करें तो यहाँ पे जो है ये हमारा क्रॉप टूल होता है, ठीक है। तो इस टूल को अगर हम प्रेस करके रखेंगे तो इसमें और भी दो चार टूल्स नज़र आ रहे हैं, वो भी देखेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं। मेरे पास ये एक इमेज है, तो जैसे ही मैंने क्रॉप टूल यूज़ किया, इस इमेज के चारों तरफ एक क्रॉप का आउटलाइन दिख रहा था। अब इसे चाहो तो आप इस तरह से ऊपर बढ़ा भी सकते हो, तो यहाँ पे ये पेपर साइज बढ़ जाएगा लेकिन यहाँ पे पिक्सल दिखने लगेगा, वो क्योंकि यहाँ पे लिखा है डिलीट क्रॉप पिक्सल, ठीक है। ये दूसरी चीज़, अगर वो इसे ऑन करते हो, यहाँ पे लिखा है कंटेंट अवेयर, ये रेशियो है, अभी मैंने रेशियो पे लगा के रखा है, तो मैं अपने हिसाब से इसे इधर उधर कर सकता हूँ जितना चाहिए, इस तरफ से या इस तरफ से चेकआउट करके रखेंगे। नहीं तो ओरिजिनल में आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ओरिजिनल अगर आप करते हैं तो ये क्या करेगा कि इस तरह से मतलब चारों तरफ से वो रेशियो मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। अगर आप फोटोग्राफी वगैरह करते हैं तो इस तरह का क्रॉप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज मैं रेशियो में ही ठीक हूँ, बाकी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कहीं है नहीं। ये लेने के बाद मैं था यहाँ पे डिलीट क्रॉप पिक्सल, अगर कर रहा है तो अगर बढ़ाएंगे तो ये पिक्सल यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, और इसे अगर ऑन करते हैं, इस बार ये पहले ऑन था, इस बार मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ये क्या चीज़ है, कंटेंट अवेयर है, क्लिक करते हैं, कंटेंट अवेयर को ऑन करते हैं और यहाँ से इसे मैं ऊपर उठा देता हूँ और इस ओके को क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही ये एनहांस करेगा खुद ब खुद, और उसके बाद आपका जो एम्प्टी प्लेस है उसमें स्काई को एक्सटेंड करके दे देगा, ठीक है। तो ये पोर्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, अब ये बात करते हैं स्ट्रेटन क्या होता है। स्ट्रेटन, अब ये इमेज मैंने जानबूझ के टेढ़ी ली है कि जिसका होराइजन टेढ़ा हो, ऐसी इमेज, ठीक है। तो होराइजन टेढ़ा है तो होराइजन को सीधा करने के लिए स्ट्रेटन के ऊपर क्लिक कर देना है एक बार, और इस लाइन पे ला के ऐसी एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। तो इसने क्या किया, वो सीधा करके आपको दे दिया। ओके, अच्छा, डिलीट क्रॉप पिक्सल भी कर देते हैं। ये होने के बाद अगर आप ओके करेंगे, वो आपका सीधा करके इमेज दे दिया। पहले आपका इमेज टेढ़ा था, अभी देख रहे हैं स्ट्रेटन का यूज़ करके जो होराइजन था उसे हमने सीधा कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ग्रिड के ऑप्शंस होते हैं कि आपको रूल ऑफ थर्ड अगर यूज़ करना है, कैमरा रूल ऑफ थर्ड, तो इसका यूज़ कर सकते हैं कि कैरेक्टर कहाँ पे रहना है, ठीक है। तो गोल्डन स्पाइरल है, गोल्डन रेशियो है, ट्राइंगल है, ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एक कैरेक्टर होना ज़रूरी है और यहाँ पे एक कैरेक्टर, मतलब अगर रखते हैं तो, ओके। अदरवाइज इसका कोई वो नहीं है कि फोटोग्राफी तो कर नहीं रहे, गोल्डन रेशियो माना जाता है ये, ओके। इस तरह से रूल ऑफ थर्ड अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो रहने देते हैं। रूल ऑफ थर्ड इन सब का यूज़ वही है कि अगर कैरेक्टर है तो यहाँ पे प्लेस आउट अगर करते हैं तो वो एक अच्छा लुकआउट बन के आता है, ठीक है। अब जैसे इस वाले में हमारा ये एंड पॉइंट दिख रहा है, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव जैसे लग रहा है कुछ, ठीक है। ओके, तो अभी बात करते हैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, उसके लिए मैं एक दूसरी फोटो
में लॉन्च करके रख लेता हूँ पहले, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव टूल यूज़ करना है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास पहले से ही टिल्टेड जो इमेज होता है, अब इसमें ये इमेज मेरा टिल्टेड है पूरी तरह से, और मुझे ये इमेज सीधा करके चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पर्सपेक्टिव टूल लेके इसे चारों कोने पे इस तरह से क्लिक कर दूंगा। ओके, आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसके ऊपर क्लिक कर देना। ओके ओके, इसमें बाकी आपको कुछ करना नहीं है, ये आपका सीधा फोटो मिल गया। अब जब सीधा फोटो मिल गया हो तो इसे कंट्रोल टी करके आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। छोटा बड़ा जहाँ से भी आपको ज़रूरत लगे, आपके पास वो फोटो मिल गई है, डन। इस तरह से ओके, न्यू लेयर लेके पीछे एक बैकग्राउंड लगाना चाहें तो पीछे एक बैकग्राउंड लगा दें और इसे छोटा कर लें। ओके, ये देखें, ये भी मेरी एक फ्रेम बन गई। तो ये होने के बाद आप डबल क्लिक करके आप इसके पीछे शैडो वगैरह जनरेट करना चाहते हैं तो शैडो वगैरह जनरेट कर सकते हैं इस तरह से। ओके, क्लिक करेंगे, शैडो यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से मेरा एक फ्रेम यहाँ भी रेडी हो चुका है, ठीक है। अगर सीधा फ्रेम उस टेढ़े वाले फ्रेम को, अगर ये वाला जो फ्रेम था, ये मेरा देख रहे हैं, ये वाली फ्रेम मेरी दीवार पे टेढ़ी हुई है, पर्सपेक्टिव में है, और जो अभी क्रिएट किया हमने वो दीवार पे सीधा है, तो फोटो हमारी ख़राब नहीं हुई, हमने वो पर्सपेक्टिव क्रिएट करके मिल गया है। तो इस चीज़ का ऐसे यूज़ किया जाता है। अगर कहीं भी आपको इसमें डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ लें, अभी भी टाइम है गाइस। तो क्रॉप टूल एंड पर्सपेक्टिव टूल। स्लाइस टूल क्या होता है, स्लाइस टूल के लिए मैं एक नई फाइल जनरेट करता हूँ। ओके, 100 बाई 100 पिक्सल का, ठीक है। 100 बाई 100 पिक्सल का मैंने यहाँ पे ये जनरेट कर दिया है। एंड उसके बाद न्यू लेयर पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सपोज मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया और इसमें कलर भर दिया, डन। अब मैं आता हूँ अपने स्लाइस टूल, ये स्लाइस है और ये स्लाइस सिलेक्शन है। स्लाइस टूल अगर लेते हो तो मैं एक स्लाइस यहाँ पे बना लेता हूँ, ओके। दूसरी स्लाइस भी बना लेता हूँ, स्लाइस हो रहा है ये, मतलब ये कटिंग के लिए ही होता है। तो तीन ये चार, स्लाइस मेरे चार स्लाइस हो गए। अब स्लाइस को सेलेक्ट करना है तो स्लाइस सिलेक्शन का यूज़ करना पड़ता है। देखेंगे ध्यान से, ये ऑरेंज हो जा रहा है हमारा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये वाला सिलेक्ट हो गया है, इसके ऊपर सिलेक्ट करूँ तो ये वाला सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद इसे मूव भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा मूव हो चुका है, इसे पकड़ने के बाद मैं इसे मूव कर सकता हूँ, ये मेरा मूव हो चुका। ये चारों हो गए। चारों होने के बाद ठीक है, क्या करेंगे, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। अल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस साथ में प्रेस करना है। जब साथ में प्रेस करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है,
जितने भी आपने कटिंग किए हुए हैं वो चारों का यहाँ पे स्लाइस आपको दिखाएगा। सेव करेंगे इसे डेस्कटॉप पे। इस ट्यूटोरियल के अंदर न्यू फोल्डर स्लाइस वन सेव। अब न्यू ट्यूटोरियल के अंदर स्लाइस इसमें अगर चेक करेंगे तो ये चार इमेजेस आपको दिखाई दिख रहे हैं। ओके देख रहे हैं, चार इमेज हमने स्लाइस किया हुआ था, चारों इमेज हमें मिल गया है। ओके तो बहुत ही सिंपल थे ये चारों, क्रॉप पर्सपेक्टिव स्लाइस एंड स्लाइस सिलेक्शन। ओके गाइस, तो अगर आप सबको इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और हाँ, लाइव जरूर देखते रहें, जब भी आप लोग को ज़रूरत पड़े लाइव आना है या नहीं आना है मुझे मैसेज करें। Okay.